सो गाइज, आज मेरे पास है नॉइस शॉर्ट्स बीट्स। ये जो है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं और बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, करीबन 3 से 3,500 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर। बट गाइज, सबसे कमाल की बात है ये जो है वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट ईयरबड्स हैं। जी हाँ गाइज, इसका जो केस है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ईयरबड्स हैं एंड बहुत ही कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्मॉल है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम करते हैं इसका रिव्यू एंड देखते हैं क्या इन ईयरबड्स का आपको वेट करना चाहिए या आप करंट ऑप्शन जो मार्केट में अवेलेबल है उनके ऊपर जा सकते हैं। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें एंड बेल आइकन को हिट कर दें, बिकॉज मैं ऐसी ऑनेस्ट रिव्यूज के साथ वीडियोस लाता रहता हूं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हियर इज द बॉक्स ऑफ द नॉइस शॉर्ट्स बीट जो टिपिकल नॉइस स्टाइल पैकिंग में आते हैं। ये ईयरबड्स जेट ब्लैक कलर के हैं एंड बैक साइड पे हमको इसकी मेजर स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। हर एक बर्ड 4.6 ग्राम्स का है जिसमें 50 mAh की बैटरी है, चार्जिंग केस 29.2 ग्राम्स का है, तो बर्ड्स अराउंड 1.5 आवर्स लेते हैं फुल चार्ज होने के लिए। हमको इसमें अराउंड 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 है, IPX5 स्वेट प्रूफ रेटिंग के साथ आते हैं। सो गाइस, इम्पोर्टेड बाय नेक्स्ट बेस इन गुड़गांव। इसके ऊपर जो मंथ ऑफ इम्पोर्ट है वो दिसंबर 19 है एंड इसके ऊपर MRP हमको 4999 का मिल जाता है। गाइस, चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ईयरबड्स अलग से डिस्प्लेड हैं, साथ में बहुत ही स्मॉल और लाइट वेट चार्जिंग केस है एंड इसके अंदर हमको एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स डिफरेंट साइजेस के, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड लास्ट द यूज़र मैनुअल। बड्स में 9mm के ड्राइवर्स हैं, जैसे मैंने बताया चार्जिंग केस अराउंड 29.2 ग्राम्स का है जिसमें 220 mAh की बैटरी है जो सिर्फ 2 times ही बड्स को चार्ज कर पाएगी, मींस आपको टोटल 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहाँ पे है हमारे पास बहुत ही स्लिम और कमाल के ब्लूटूथ ईयरबड्स जो शाइनी ब्लैक मटीरियल में आते हैं। अंदर की साइड हमें एक रिंग बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है जो काफ़ी कूल लगता है एंड यार आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है एंड बैक साइड पे हमको इसके अंदर माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइज, मुझे बड्स की क्वालिटी बहुत ही कमाल की लगी। चलिए अब इन्हें पेयर कर लेते हैं अपने फ़ोन के साथ। सो गाइज, पेयरिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी एंड क्विक है थैंक्स टू ब्लूटूथ 5.0। एज यूजल आपको बड्स को केस से बाहर निकालना है, फोन में सर्च करना है एंड गाइज, ये दोनों बड्स एक दूसरे के साथ पहले से ही पेयर्ड हैं तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट फोन के साथ इनको कनेक्ट करना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं बड्स जो हैं फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गए हैं, बहुत ही क्विक एंड ईजी है। ये बड्स शाइनी ब्लैक मटेरियल में है एंड फ्रंट साइड पे हमको नॉइस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बैक साइड पे लेफ्ट एंड राइट की मार्किंग है एंड यहाँ पे चार्जिंग पिंस देखने को मिल जाती हैं। गाइस, ये बड्स बहुत ही लाइट वेट है, सिर्फ 4.6 ग्राम्स के हैं एंड ये बड्स टच सेंसिटिव बटन्स के साथ आते हैं जो कि काफ़ी क्विक एंड रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल टच से ही हमारा सॉन्ग प्ले या फिर पॉज हो जाता है एंड राइट वाले बड को लॉन्ग प्रेस करके हम वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं एंड लेफ्ट से डिक्रीज कर सकते हैं, तो टच कंट्रोल्स में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड कॉल क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई बात करते हुए एंड ये बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस को भी कैप्चर नहीं करता। तो गाइज, इन ब्लूटूथ ईयरबड्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की है, तो चलिए फटाफट से इसकी साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज, मेरे ईयर्स के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो गए हैं, मुझे बाहर की साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, तो चलिए एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो गाइज, इन बड्स का साइज मुझे बाकी ईयरबड्स से स्मॉल लगा, तो मेरे ईयर्स में काफी अच्छे से फिट हो गए एंड काफी कंफर्टेबल हैं ईयर्स के अंदर। तो गाइज, चलिए एक सॉन्ग और टेस्ट कर लेते हैं एंड इनकी साउंड भी काफी डिसेंट है, इवन फुल वॉल्यूम में भी आपके ईयर्स में पेन नहीं करते। तो गाइज, डबल टैप करने से सॉन्ग चेंज हो जाता है, सिंगल टैप करने से प्ले एंड पॉज हो जाता है एंड लॉन्ग प्रेस करने से आपकी, अगर आप राइट वाले बड को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी एंड लेफ्ट वाले बड को अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होने लग जाएगी। मैं इसको उतार देता हूँ बिकॉज मुझे प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा है।
तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही डिसेंट लगी। जो भी मैंने ईयरबड्स सुने हैं, जो भी आज तक मैंने इनका जिनका रिव्यू किया है, दीज आर अमंग द बेस्ट ईयरबड्स। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स हैं मेरे पास, उनकी साउंड क्वालिटी और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही सिमिलर है एंड बिल्ड क्वालिटी भी आई मस्ट से बहुत अच्छी है। एंड जो मेरे ईयर्स के अंदर ये फिट होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे ईयर से फॉल हो जाएंगे या फिर मुझे बाहर की कोई साउंड आ रही है, एकदम मेरे ईयर्स को इन्होंने प्रॉपरली पैक कर दिया। तो गाइस, मुझे इन ईयरबड्स की जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगी। मिड एंड लोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे और बेस तो इट वॉज टू गुड। तो गाइस, मेरे ओपिनियन में ये ईयरबड्स बहुत ही कमाल के हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं ईयरबड्स लेने का, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लेने का, तो आई वुड से आप इनके लिए वेट कर सकते हैं बिकॉज इनकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एकदम टॉप क्लास है। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर द रिव्यू ऑफ द नॉइज शॉर्ट्स बीट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सो अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।